I'm absolutely okay, Naren. मैं जरा सा भी हर्ट नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। फिर मैंने परी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती। उसके अपने खुद के रीजंस हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अंकिता, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। अभी परी चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझसे शादी करना चाहती हो, ना चाहती हो, या फिर किसी और से शादी करना चाहती हो, लेकिन उसने साफ साफ सबके सामने ये सब बता दिया कि वो इस वक्त शादी के लिए रेडी नहीं। मैं कोई होप्स बिल्डअप नहीं करना चाहता, और वैसे भी हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस रिलेशन हैं हमारे। इनफैक्ट उसके घर पे जा रहा हूँ मैं कुछ पेपर्स पे साइन लेने के लिए। मैं ये सब काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लूँगा। No issues at all. You're good ना? Absolutely perfect. देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा दोस्त strong है, intelligent है, he's an advocate after all. इस छोटी-मोटी चीजें तो ऐसे handle कर लेगा, है ना? परी, जब तुम्हें कोई छोड़कर चला गया, तो उसे भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं। हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हमारे पास आता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि वो वापस आएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम उसे ढूंढो, और उसे ढूंढने के बाद जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उससे पूछो, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। परी किसी के लिए नहीं, लेकिन अपनी आजी के लिए, अपने आजोबा के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी। और आई एम श्योर कि तुम बहुत खुश रहोगी। ये तेरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम तेरे घर वाले हैं। हम तुझे इस तरह घुट-घुट कर नहीं जीने दे सकते परी। तकलीफ होती है तुझे ऐसे देखकर। गुड मॉर्निंग परी। मॉर्निंग। सो सॉरी इस तरह से मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ गया। आई होप मैंने किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं की। नहीं, इट्स ओके। सब लोग सो रहे हैं और आज आजोबा मंदिर गए हैं। वो एक्चुअली कुछ पेपर्स पे तुम्हारी साइन चाहिए, आज ही कोर्ट में सबमिट करनी है, इसीलिए इस तरह यहाँ चला आया। अच्छा किया। वैसे भी कोर्ट यहाँ से बहुत दूर है और अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक भी कम होता है। वर्क कम फर्स्ट। सो एनीवेज अरे आई होप कल जो भी हो उससे हमारे काम पे कोई असर नहीं होना चाहिए। अच्छा परी, मुझे तुम्हारी एक यहाँ साइन चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ और एक। आओ अंदर आओ। देवं गौरी विनाथ। अरे शेखर तुम? हाँ जी, वो कुछ पेपर्स पे परी की साइन चाहिए थे, वो आज ही कोर्ट पहुंचाने। अच्छा, चाय नाश्ता करके ही जाओ। हाँ नहीं, आज नहीं, फिर कभी। हाँ अच्छा, परी कुछ आईडी प्रूफ्स भी लगेंगे, मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ मैंने रेडी रखे हैं। मुझे इसमें तुम्हारी साइन चाहिए। कुछ भी और काम रहेगा तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है। तो मैंने टाइम नहीं, हम इन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाएंगे। चल चल एक्सक्यूज मी सर, ये इंजेक्शन और मेडिसिन ले आइए। अभी ले, ये मुझे दे दीजिए, मैं लेकर आता हूं इसे। जल्दी आइए। फिर से उनको चक्कर आया। तेजू ने हमारा वगैरह सब किया, उसकी रिपोर्ट नहीं मिली अब तक। तो चिंता मत कर, देखना सुलोचना जी को कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे। माना डॉक्टर से पूछना क्या हुआ। आई भाई, डॉक्टर सुलोचना आई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है खुद आकर बता देंगे। तू चिंता क्यों कर रही है? आई को कुछ नहीं होगा। हो भी नहीं सकते। कुछ नहीं होगा आई को, तू चिंता मत कर। ये बेटे पानी ला। पानी भी डॉक्टर 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 रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल लेकर चले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। हम 1-2 इमरजेंसी टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता सकूंगा कि क्या हो सकता है। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट का बीपी सडनली ड्रॉप हुआ है। प्लीज परेशान मत होइए। नर्स ये लीजिए सारी मेडिसिन्स, इसे एक बार चेक कर लेना। हाँ जी कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें वक्त पर यहां नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। थैंक यू शेखर, आज तुम्हारी वजह से आई। कैसी बात कर रहे हैं मानव जी, आपने मुझे इस घर के सदस्य की तरह माना है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। Excuse me. मिस्टर मेहता, देखो मैं बहुत परेशान हूं इस समय। मुझे प्लीज इस समय बार बार फोन मत कीजिए। मैंने आज की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी है। मैं हॉस्पिटल में कुछ काम से हूं, ठीक है? और प्लीज इस मुझे बार बार फोन मत कीजिए। परी। शेखर थैंक यू, आपने आजी को। परी प्लीज ऐसे टाइम पे थैंक यू मत बोलो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। हम अच्छे दोस्त हैं परी, और ऐसे वक्त पे दोस्त ही काम आते हैं। बट स्टिल लेट मी थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आपने जिस तरह सब कुछ हैंडल किया, आजी की हालत देख के मैं तो शॉक में चली गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर आप नहीं होते तो सीरियसली थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रही हो? उस दिन सबके सामने जो कुछ भी हुआ, मेरा आपको इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। नहीं परी, तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल जायज था। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया जा रहा है और तुम्हें इस बात की जरा से भी खबर नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे घर आने से पहले अंकिता से बात की थी मैंने इस बारे में। शायद मुझे ये लगा कि तुम्हें इस रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया था। बस ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वरना मैं इस तरह तुम्हारे घर आता ही नहीं था। हाँ, पर मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया। आई एम सॉरी। कितनी बार सॉरी कहोगी? इट्स एब्सोल्युटली ओके। देखो, तुमने उस समय तुम्हारे दिल में जो भी था, तुमने वो बात मेरे सामने रखी और दिल की बात खोलकर कहने में कोई गुनाह नहीं है। इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी जाती। थैंक्स, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। पर एक बात बताओ मुझे, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है? सिर्फ प्रोफेशनल कलीग हैं हम? अब दोस्त तो बस ये सॉरी और थैंक यू मत कहा करो मुझे। हाँ, ठीक है। अगर आप मुझे दोस्त मानते हैं तो आप भी मेरी एक बात मानेंगे। आप प्लीज़ वापस ऑफिस जाइए, अपनी मीटिंग्स पूरी कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपका काम खराब हो। परी, मैं काम बाद में कर लूँगा। देखो, इस समय मुझे आजी के पास रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं शेखर, यहाँ पे हम सब लोग हैं आजी को संभालने के लिए। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको खुद फ़ोन करूँगी। आप प्लीज़ जाइए, अपना काम पूरा कीजिए। Are you sure? Yeah. देखो परी, अगर कोई भी गड़बड़ हो ना, प्लीज मुझे फोन कर देना। मैं करूंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। बाय। अर्चना जी, आपकी आई की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। डॉक्टर, आई को क्या हुआ है? उनके ब्रेन में नर्व इन्फ्लेमेशन है, यानी कि नस के ऊपर सूजन आई हुई है, जिसकी वजह से उनकी आंखों के सामने अंधेरा आता है, सरदर्द होता है और कभी कभी चक्कर भी आते हैं। डॉक्टर, जो कुछ भी हो सके, आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस प्लीज आई को ठीक कर दीजिए। रिलैक्स मिस्टर मानव, मैंने उन्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं और उससे उनकी नर्व पे जो सूजन आई हुई है वो कम हो जाएगी। अब उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें हाई डोज वाली मेडिसिन तो नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उन्हें लाइट मेडिसिन दी हैं। आई होप इससे उनकी तबीयत सुधर जाएगी और अगर मेडिसिन का असर उतने प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं हुआ तो फिर हमें ऑपरेशन करना होगा। अब आप दोनों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा, क्योंकि कोई भी शॉकिंग न्यूज उनके लिए खतरनाक हो सकती है। अब उनकी कंडीशन बहुत ही सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसी बात उन तक ना पहुंचे। देखिए मिसेस अर्चना, मिस्टर मानव, आप निराश मत होइए, आपकी आई ठीक हो जाएंगी। आज तक जिस तरह आपकी आई ने आपका ख्याल रखा है, उसी तरह आपको आपकी आई का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, मैं आई से मिल सकती हूँ? जी, मिल सकती हैं, लेकिन एक एक करके मिलिएगा। आज हम बनाएंगे यमी सैंडविचेस। शशांक, आप रहने दीजिए ना, मैं कर रही हूँ। अरे, मुझे भी आता बनाना। आपको आता तो है बनाना, पर आप अपना हाथ मत काट लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कितना अच्छे से कटिंग कर रहा हूँ मैं, कितने गोल काटे हैं। उई, वेरी खराब हो गया। ये देखो, ये सही है। अरे बच्चों को तो मैं ऐसी सैंडविच खिलाऊंगा कि वो हमेशा मुझसे ही मांगेंगे। अच्छा, आपको बहुत कुछ पता है बच्चों के बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ जानता हूँ मैं। और शशांक, तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। शशांक, पता नहीं क्या हुआ होगा, हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ, मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, क्या शशांक, क्या हुआ शशांक? किसका फोन था? ऑफिस से कॉल आया था, साइनाथ नगर में रिपोर्टिंग करने जाना है। क्या हुआ वहाँ शशांक? वहाँ कोई बिल्डिंग गिर गई है। ओह माय गॉड, सैनाथ नगर में समृद्धि बिल्डिंग गिरी है। शशांक, उस बिल्डिंग में तो आई बाबा रहते हैं। शशांक, क्या हुआ? किसी ने उठाया? नहीं, कोई आंसर नहीं कर रहा है। मैं लैंडलाइन ट्राई करता हूँ। शशांक, किसी ने उठाया फोन? कोई नहीं उठा रहा है। मैं जा रहा हूँ। शशांक, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शशांक, प्रशांत, सोनू और प्रणव को स्कूल छोड़ाना। दादा नहा रहे, तुम जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। सोनू, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और चल, दरवाजा बंद कर ले। अच्छा अच्छा, जल्दी करो। अर्चो, आई तू लेटी रह, मैं हूं ना। और प्लीज तू किसी भी तरह का स्ट्रेस मत ले आई, प्लीज। अरे तू डर मत, मैं अभी नहीं चली जाऊंगी। हाय, कुछ भी बोल रही है। मैंने पापा से कह दिया, जब तक मेरे अर्जु को उसके हिस्से की सारी खुशियां नहीं मिलती, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। अभी तो हमारे परी की शादी बाकी है। हाय, तू सोहम को वापस आना है। तू क्यों सोच रही इन सारी चीजों के बारे में? तू आराम कर, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। मुझे पता है कि अगर तू हॉस्पिटल में है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं परी की शादी है। मत सोचा इतना, सब सही हो जाएगा। मुझे परी की बहुत चिंता होती। उसने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कही, लेकिन मुझे पता है वो अंदर ही अंदर घुटती रहती। हमारी परी के नसीब में प्यार क्यों नहीं अर्जुन? जब उसे अपने पिता का प्यार चाहिए था, नहीं मिला, और अब पति का प्यार मिलने का वक्त आ गया, तो मुझे परी की बहुत चिंता होती। शेखर तो अच्छा लड़का है, लेकिन क्या हमारी परी शादी के लिए राजी होगी और ये रिश्ता जिंदगी भर निभाएगी? मुझे तो उसकी चिंता होती। मुझे पता है, लेकिन तू बिल्कुल टेंशन मत ले। पापा है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। तू शांत रह, आराम कर। मैं बस परी को खुश देखना चाहती हूँ। आना, एक्चुअली हमारा फोन लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना, एक मिनट शीशे में देखता हूँ। हेलो शेखर, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह फोन किया तुमने, सब कुछ ठीक है ना? नहीं अंकिता, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ अंकिता? आज सुबह मैं परी के घर पे गया था, कुछ पेपर्स पे उसकी साइन लेनी थी। वहाँ पे सुलोचना जी को अटैक आ गया। हमें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में? टेंशन वाली बात यह है कि कंडीशन काफी क्रिटिकल है। तुम परी को तो जानती हो ना, वो अपनी आजी से कितना प्यार करती। ऐसे वक्त पे वो इमोशनली काफी डिस्टर्ब थी। नरेन से क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, मैं ठीक हूँ, अभी घर पे दवाई ले रहा हूँ। मैं नरेन, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं परी की आजी की बात कर रहा हूँ, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? शायद ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि जब उन्हें चक्कर आया तब उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले आया। ओह नो, अच्छा डोंट वरी, हम आते हैं, हम हॉस्पिटल आते हैं। ओके अर्चना जी बहुत परेशान होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ चलो। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने डिस्चार्ज पेपर पे साइन किए? आज शाम तक आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा मैम। परी, तुझे मुझसे कुछ बात करनी थी ना? तू मेरे साथ चल।